देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक बात याद रखिया, वो आदमी के मारे के नहीं खे, सिर्फ सजा देवे के बा। कैसन सजा मैडम? गरम खोलल पानी डाले के बा ओकर छाती पर। ये काऊ वह भाई अरे और तब अरे तू तो एकरे साथ रहला तो के पता हो कि कहा भाई पता ना के कहां के दुश्मन निकलला समरे बच्चा पर बहुत तकलीफ हो रहा लोखी एकरा। जाने कैसन बेरहम लोग रहे। अरे इस तरह से छाती पर क्यों गरम पानी फेंके लगा? कहीं गरम पानी चेहरा पर या आग पर चल जाती था? अरे शुभ शुभ बोला, भगवान ना करे कि कब हमरे बच्चा के साथ मैसन होखे। मम्मी जी हम राधा माँ की कहा तनी की वो आयुर्वेदिक लेप बना दी। जब यश जी के ऊपर चाय गिरल रहे तब वो लगौले रहनी ना तो उसे बहुत आराम मिल गए रहे उनका के। आप निकी देख ले, लेकिन हम और पंकज भैया देख ले बनी एक गरम गरम चाय यश भैया के ऊपर फेंक ले बा। अपने घर में अपना के साथ ऐसा अन्याय होते कैसे देख सके नी आप मम्मी जी? आप अच्छा तरह से जानतानी कि आकाश भैया जौन कुछ भी करतानी वो गलत बा, फिर भी आप चुप बानी। यश भी ठीक ठीक यही तरह जलल लहलना और तू तो हमारा कमरा में आयला लू हमसे शिकायत करे कि हमार बेटा तुहरे पति के जला दहले बा और हम चुप बैठल बानी कुछ करत नहीं की। और देखा आज आकाश भी ठीक वही तरह जलल बा। अरे दोनों बात इत्तेफाक तो ना हो सकेला? मम्मी जी आप कहे का चाहता नहीं? हम ही कहल चाहता नहीं कि हमरा बेटा पर क्या वो हमला करवैला सा। गुंडा बदमाश गरम पानी लेके यूं घूमल ना करे ले। अगर लूट के इरादा होखे तो सुनसान सड़क पर चाकू के नोक पर ऐसे पैसा लूटल जा सकत रहल, गाड़ी लेके भागल जा सकत रहल, लेकिन ऐसा कुछ कैलस ना, बस गरम पानी फेंकलस और भाग गई। ओकर साफ मतलब बना कि ई हमला ते करवाई लिया आकाश पर। बस गायत्री अपना मुंह से अपना ही बहू के बारे में ऐसा बोलने से कम कुछ तो सोच तू। का सबूत बताना लगे कि आरती बहू ही करेले बड़ी? अपन बहू पर अपन ग्रह लक्ष्मी पर इतना घटिया इल्जाम लगाओते तारा शर्म ना आई? हमार गलती के सजा तू ओकरा के कहे देते रहू, हमार गुस्सा ओकरा पर निकालते रहू। ओ हर केहू के सुख दुख में काम आई बड़ी, आइंदा बगैर सबूत के केहू के बारे में कुछ कहला से पहले 10 बार सोच लिया। सबूत चाहिए ना आप सबके? ठीक बा, हम लेकर आए सबूत आपके और पूरा परिवार के सामने खड़ा कर दे वो गुनहगार के। हमारा मेरा भाई डीएसपी बन के आयल बा भोपाल में, वो मदद करी हमार।
फिर पता लगी कि के सच्चा बा और केकरा के इल्जाम लगावे के शौक बा। पंकज गाड़ी निकाला, हमकी पुलिस स्टेशन जाएक बा अभी यही वक्त शिकायत दर्ज करवावे। माँ आप पे शक कर रहे आरती जी, अपना बहू पर आप ही बताइए आरती जी, हमरा बुरा ना लगी? वो ऐसा सोच भी कैसे सकता रही ना आरती जी, हमरा से बर्दाश्त नहीं किया होत। अगर ऐसा नहीं होत रही तो हमरा लगा आरती जी हमने के घर पे। कल तक तो आप हमरा समझावत रहनी, हौसला देत रहनी, कहत रहनी समय दौर सब ठीक हो जाए, और आज आप कहतानी कि आपसे बर्दाश्त ना हुई। काहे की आरती जी, माँ आपके साथ जोन कहली वो ठीक नहीं खे। गलत तो आपके साथ भी होत रहे ना यश जी। हमरा साथे कुछ हो आरती जी, हम बर्दाश्त कर सकते नहीं, लेकिन केहू आप पर उंगली उठाओ ये हम कबो सह नहीं की सकत। आप अपन दिल छोटा मत करी, मम्मी जी पुलिस के मदद ले ले बाड़ी ना, और एक बार गुनहगार सामने आ जाए था उनका सारा शक दूर हो जाए, फिर देखिए यश जी सारा गिला शिकवा दूर हो जाए, सब ठीक हो जाए। आरती जी, हमार दिल रखे खातिर आप मुस्कुरा रहल बानी ना, शायद आप नहीं खी जानत आपके मुस्कुराहट के, आपके आंख के अब हम बहुत अच्छा से पढ़े के सिक्किल बने। आरती जी, हमने के मिलल 11 महीना हो गई बा, इतना तो हम जान ही सकत नहीं कि हमार पत्नी के का बुरा लगेला और का अच्छा लगेला। आरती जी, हम जानत नहीं कि माँ के बाद आपके बहुत हट गए बा, आंसू से गिलाई मुस्कुराहट, साफ साफ कहा था आरती जी कि आप बहुत कुछ अपन मन में छुपावत नहीं। आरती जी, केहू हमरा के कुछ कहो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते नहीं, लेकिन केहू आप पर उंगली उठाओ ना आरती जी, ये तो हम कबो सहन नहीं के कर सकत, कबो भी ना। जब तक आप हमरा साथे बानी दुनिया के हर दर्द भुला सके नहीं यश जी, बस आप ऐसे ही हर जन्म में हमार साथ दे, हमरा और कुछ ना चाहिए, कुछ भी ना। ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। दिमाग खराब हो गए तू लोग के? अरे भोज खाते ऐसा घटिया घटिया सजावट के सामान लेके आए बड़ा तू लोग, तो हम लोग के पता भी हम भोज कहाँ दे ले बानी? हमरे बेटा के विरादरी के सामने सिंधिया खानदान परिवार के नाम मिले वाला बा, समझ ला तू? चाचा के अपने मालिक के बोला
ढंग के आदमी के भेजे और ढंग के सजावट के सामान भेजे। हमारे अच्छाई के, हमारे सीधापन के बहुत फायदा उठा चुकल बाने लोग, भलाई के तो जमाना ही ना रहा। बहुत हो गई, बहुत सह लेनी हम। अब ना सहो, रुक जा बहू। ये फोन हमारे खातिर है। हेलो, कहाँ? अच्छा, इतना जल्दी? अच्छा ठीक बा, हाँ हाँ हम घरे ही बानी, आप ले आइयो करा के। खुशखबरी है, मगर शायद केहू खातिर बुरा खबर। हमार भाई बना दीपक डीएसपी, वो गुंडा के पकड़ लिया ले बा। बेटा तोहरा के वो गुंडा का शक्ल याद बना? ओकरा कैसे भूल सकता नहीं, एक बार आवे तो दियो करा। ठीक बा, और हैरानी के बात ई बा की ओकरे पास हमने के पुश्तैनी हार बरामद भेल बा। पुश्तैनी हार उ आदमी के पास? लेकिन पुश्तैनी हार के गुम होवे में और आकाश भैया के ऊपर गर्म पानी से हमला करवावे में कैसे संबंध हो सकेला? संबंध बा बहू, हम तो पहले ही भाप ले ले रहनी। आखिर इतना साल के अनुभव जन बा हमरा के, पहले तो जोरे से हार चोरी भइल, फिर हमारे आकाश पर गर्म पानी फेंकवावल, ये दोनों काम के पीछे एक के इंसान के हाथ बा। अब तो हमार शक यकीन में बदलत जाता, बस एक बार वो गुंडा आ जाए, सबका कच्चा चिट्ठा सामने खुल जाए। प्रणाम जीजा जी। खुश रहा। लेकिन दीदी, ले आयल बानी हम आपके बेटा के अपराधी के। ये हाउ हमारा पे गरम पानी फेंकेला, बताई तो रखे। तू एकर शिनाख्त कर देले बड़ा, अब हमनी के काम शुरू। अच्छा दीदी, चला तानी, चला। रुका भैया, एक पकड़े से काम खत्म नहीं हो जात। इतक केहू और के हाथ के कठपुतली है, जिकरा कहे पर हमारे आकाश पर गरम पानी फेंकलस। बताओ कौन है वो, केकरा कहले पे ते सब कैले? बोल। दीदी, आप कहे चोर उचक्कन से माथा पच्ची कर रहल बानी? ये लोग बड़ा ढीठ होके ले, ये लोग के मुंह से कब क्या और कैसे निकलवावे के भाई हम अच्छा तरह से जाने नहीं। ना भैया, सारा पूछताछ तो यही जा होगी और हम इसे जान के ही रहब। आखिर हमारे बेटा के सुरक्षा के सवाल है, और एगो माँ जब अपने बच्चा के चिंता करे ले तब पत्थर से भी सब कुछ उगलवा ले ले। बताओ हमरा के, कितना रकम ले लेते ओकरा से? ते जितना भी रकम ले लो कि ओकर दुगना रकम देब हम। जवाब दे हमरा के, बोल केकरा कहले पे कह लेते? हम कहते नहीं, जवाब दे, बोल।
है चल। बता हमरा के, बताने तो दीएगा। और हमरा फोन आयल रहे। केकर फोन आयल रहल? फोन पे केहू कहले रहे कि फोटो सिंधिया उसके दरवाजा पे रखल बा और तहर कीमत भी, और ये भी कॉलेज की जेकर फोटो बा उकरा के मार के नहीं खे, गरम पानी फेंके एक बा उकर छाती पर। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वो आवाज एक औरत के रहे। नंबर बताओ। पता ना वो फोन ऑफ होता। ले जाके भैया, हम आपसे बाद में बात करते नहीं। ठीक बा दीदी, चला चला चल चल। देख लू, हमार शक यूं ही ना रहा, ऐसे ही हम केहू पर इल्जाम ना लगावे नहीं, और अब तो सबूत भी मिल गई बा। कैसा सबूत गायत्री? गुंडा खाली ये कहले बा के आवाज कोनो औरत के रहे। केहू के जिम्मेदार ठहराए खातिर ये सबूत काफी नहीं है। आवाज केहू भी औरत की हो सकता, सिर्फ आरती ही का है। कहा कि आरती के अलावा क्या हुआ? और के पास कोनो वजह नहीं खे। हम तो करे से रहने रहल जी जी परिधि और विधि, ते इनकर आकाश कब खटपट ना भय। ये कहे उनसे बदला ली है, और इशिता ओकर बीवी हा, वो गुंडन से हमला कहे कराई। अब बचल आरती, एकरे पास ए गुना दसियों वजह बा जैसे आकाश से बदला ले सके। हमारे बेटा कर पति का जगह जोन ले ले बा। गायत्री, ये को बात भूला तरू कि ये लड़का के यश और आरती ही घर में लेके आए बालो। अगर ये लोग के तकलीफ होए तो ऐसा कबू ना करित लो। दूसर बात, ये लोग हमरा के मनाइलास कि एकरा के घर के अनुसार ढले के समय दिहल जाओ, तबे हम एकरा के 7 दिन के समय देनी, वरना धक्का मार के एकरा के वही दिन घर से निकाल देते। ये सब जानने के बावजूद तू ई दोनों पे शक करत है? हां हां काकिन करी अच्छाई। आपके मनावल मिन्नत कई सब एको नाटक रहल, ढोंग रहल। महान बन के आकाश के घर तक ले आईले, लेकिन जैसे ही आकाश के परिवार में जगह मिलल, ओकरा हिस्सा के अधिकार मिलल, त सिंहासन डोले लागल इनकर। सहनी ना भइल, होइत कैसे? सारा जिंदगी ऐसो आराम से जन रहल बड़े, ठाट बात से रहल बड़े, तब नौकर के कमरा में रहल अब कैसे सहन होखी? तो तकलीफ भी होखी और आकाश से जलन भी। गायत्री, आप जो ने आरती खाते हमारा पर चिल्ला रहल बानी, आपके पता भी बा? उहे आरती आकाश के चोर कह के घर से निकलवावल चाहत रहल। कहा कि हम अपन पुस्तैनी हार एक ना देके आकाश के पत्नी के दे देनी। जहर भरल पड़ल बा करे अंदर आकाश खातिर, एक खाली हम जाने नहीं। बस मम्मी जी, माफ करिया, लेकिन आप जे सोच रहल बानी वो बिल्कुल गलत बा। हम और यजी कोनो नाटक कोनो ढोंग ना करता नहीं। हमनी के ईश्वर जाने ला कि हमने आकाश पाया कि घर में पूरा दिल पूरा मन से ले रहनी। काहे कि हमनी चाहत रहनी कि उनका उनका अधिकार मिले। आप मानी चाहे ना मानी, लेकिन धन दौलत के मोह नाता यश जी के बाद ना हम रखे। हमने अगर अब तक ये घर में पानी तक केवल एक परिवार के खातिर, हमनी खातिर, हमनी के सब कुछ, हमनी के ये परिवार बा जकरा हमनी कौनो भी कीमत पे खोए ना चाहे नी। ए परिवार के बिना हमनी दोनों अधूरा बानी मम्मी जी। हाँ, अगर आप हमनी के ये प्रेम और ये लगाव के हमनी के लालच कहे चाहता नहीं तो कह दी, हमनी के बुरा ना लगी मम्मी जी। कहे कि हमनी खातिर रिश्ता अनमोल बा, जकरा कौनो भी हालत में यश जी चाहे हम खोए ना चाहब।
लेकिन अफसोस आप ही ना समझा। अपन यश बेटा के दिल अपना पर पैनी मम्मी जी, वो बेटा के ना समझ पैनी जे आपके भगवान के दर जाते हेले, जे चुपचाप आपके बोले से पहले ही आपके और आकाश भैया के सारा शर्त मंजूर कर ले ले। यश जी चुपचाप आकाश भैया के सारा जिल्लत सहत रहनी ताकि आपके कोनो तकलीफ ना होके। अरे आपके खुशी खातिर तो यश जी खुशी खुशी अपन ही जान दे दी। यश जी के निस्वार्थ प्रेम और उनकर बलिदान आपके ढोंग और नाटक दिखाई देता, आपके कुछ दिखाई ना देता मम्मी जी, काहे कि आपके आंख में आकाश भैया के ममता के पट्टी बंधल। बकवास बंद करा। हमसे जुबान लड़ा रहल बिया, हम क्या अंधा कह रहल बड़े। बार बार बात करके बहुत शौक बना तोरा के, लेकिन हम पर तोरे बात का कोनो असर ना होगी। ते हमरे आकाश पर गरम पानी फेंकवा ले रहले ना, और अब हमने क्या उतनी खोलत पानी और तोरा पर फेंकब, फिर तोरा के पता लगे कि कितना तकलीफ हो खेला। तो रुक यही जा। मम्मी जी, गायत्री माँ, माँ गायत्री होश में आवा। माँ यश गायत्री बनी छोड़ दा हम के छोड़ दा। अगर क्यों रोके को कोशिश करे हमरा के ते गरम पानी हम पेपर डाल ले, हम अपने ऊपर डाल ले। छोड़ हमरा के। बस करिए हसी। अगर आप मम्मी जी के खुशी खातिर अपन सारा खुशी के बलिदान कर सकें तो हमार भी फर्ज बनेला कि हम आपके हर फैसला में आपके साथ दें। अगर आपके एक रसे खुशी मिले ला मम्मी जी तो हम तैयार बानी। माँ आरती जी, आरती जी। ना ना यश जी ना, हम बिल्कुल ठीक पानी, पानी ठंडा रहे गरम ना रहे। हम जानत रहनी मम्मी जी कुछ ऐसा कर ही ना सकेली, बाहर से जितना कठोर काहे ना लाके, लेकिन बाड़ी तो एक माँ के दिल ना, वो कबू कुछ ऐसा कर ही ना सकेली। एक गलत फहमी में मत रहे कि हमके तोरा से कोनो लगाओ बा या हमके तोरा कोनो परवाह बा, या हम अभी ना माने नी कि ते गुनाहगार नहीं खे। गुनाहगार बाड़े ही तू हमरा बेटा आकाश पर गरम गरम पानी फेंकवा ले रहले, और हम तो के बात खातिर जिंदगी भर माफ ना करब, नफरत करत रहब। लेकिन हम तोरा जैसा नीच नहीं खी, इतना गिरल हरकत ना कर सके नहीं।
रुके माँ, माफ करें माँ, हम अबले चुप रहनी, लेकिन अब हमरा से और बर्दाश्त नहीं खे होत, बहुत हो गए। हाँ तो तुहु सुना दा हमरा के, तुहु बोला ना, बोला कि हम सतेली माँ हैं, हम अन्याय करते हैं तुम्हारे साथ, बोला, बोला बेटा। ना माँ, सौतेला मत कहें, सौतेला और सगाता दुनिया वाला नाम दे ले बा, आप हमरा खातिर बहुत कुछ कर ले बानी, हम जिंदगी भर एक कर्ज उतार ना पाए, और भगवान से यह प्रार्थना करे तनी कि हर जन्म में हमरा के बस आप ही माँ के रूप में मिली, आज जौन भी बानी सब आपके वजह से बानी माँ, आप इतना प्यार देले बानी हमरा के, बिना कुछ मंगले इतना कुछ देले बानी माँ, बस माँ एगो आखिरी चीज मांगत नहीं हम आपसे, हमरा के और आरती जी के ये जैसे चाय दी, ना रह पाए हमने के ऐजा, माँ जब रिश्ता में कड़वाहट ना रहेला ना तो रिश्ता के आगे बढ़ावे के कोनो मतलब नहीं खे, बस इजाजत दी, आरती जी अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकत, एक भी शब्द ऐसे नहीं कहो कोनो चीज जो ना आपके हट करो, हम आपके जिंदगी से निकाल देवे के चाहत नहीं, चलिए आरती जी हमने के ना रहे पै बेजा, बच्चा लोग के भी स्कूल से लेवे के पा, आप भी हमने के साथ चले,
सब कहाँ जा रहा है नेहा? बोले ना पापा, हम सब कहाँ जा रहा है नेहा? हमने छुट्टी में घूमे जा रहे बानी अंश। सच्चे? हाँ, दादाजी दादी जी हमने सबके हॉलीडेज पर भेजा ताड़े। सच्चे पापा? नांश, हमने के घूमे नहीं की जात, हमने के अपन नया घर जाता नहीं। नया घर? वो कहाँ बा? पता ना बेटा, हमने के ढूंढने के हुए। नया घर का है पापा, अपन घर तो कितना अच्छा बा। हमरा के कहीं न जाके बा, हम यही रहब, हम यहाँ सबके साथ रहब, दादा दादी ताऊ ताई जी चाचा चाची, पहले जैसे अकेला ना रहे के बा। हमरा के भी सबके साथ रहे के बा पापा। हाँ बेटा, हम सब आपके साथ रह जाए, हम केहू के कहीं ना जाए देव, केहू के बिना। बहुत मनमानी कर ले ले यश भैया। हाँ यश, तू कहीं ना जाइबा, कहीं ना जाइबा, तू इधर आ बा। भैया हम फैसला कर चुके। अरे फैसला बदल भी तो जा सकेला, तू हमने सबके छोड़ के जाइबा है? एगो छोटा सा बात खातिर है तू? यश। हाँ माँ। बेटा
गर्मी शुरू हो गई बा। बच्चा भी साथ में बढ़े, घर ढूंढने में पता ना तू कहां कहां भटक बो। अपन ख्याल रखिया। हाँ माँ, हमने क्या अपन ख्याल रखा। आप अपन बेटा के इतना हिम्मत तो देले बानी, क्यों अपन और अपन बच्चन के ख्याल रख सको। लेकिन माँ, हमार हिम्मत और बढ़ जाए अगर आप ऊपरी मन से भी कह देती कि यश रुक जा। दादी दादी, पापा के बोले ना वो आपके बात मान ले। बोले ना दादी, दादी पापा के बोले ना हमरा कहो ना जाएगे। दादी पापा के बोले ना, दादी बोले ना पापा के। अब हमरा से गुस्सा बानी ना, कहे कि हम आकाश चाचा के राम दुलारा चाचा जैसे बोल लेना नी। सॉरी दादी, अब ऐसा गलती ना करो दादी। सॉरी दादी, पापा के रोक लेना। रोक लेना दादी। दादी आप पापा के बोलो ना, हमने की कहीं ना जाएंगे प्लीज। दादी पापा के रोके ना। दादी पापा के रोके ना। दादी बोलो ना पापा के प्लीज। दादी प्लीज। अंश चलो बेटा। दादी प्लीज बोलो ना। चला पलक ना, हमरा ना जाए के। दादी बोलो ना पापा के प्लीज। दादी बोलो ना, हमरा ना जाए के। दादी आप रोको ना। दादी हमरा आपके साथ रहे के बाद, सबके साथ रहे के बाद। दादी छोड़ो ना मम्मा, छोड़ो ना हमरा के। पलक चला, छोड़ो ना दादी, बोलो ना मम्मा के, हमरा आपके साथ रहे के बस सबके साथ। चला पलक चला। दादी बोलो ना मम्मा के, दादी प्लीज। दादी बोलो ना मम्मा के प्लीज। दादी दादी बोलो ना। अंश दादाजी, हमरा ना जाएगे, हमरा आपके साथ ही रहेगे बा। कहीं ना चाहिए बतू।